आज हम खड़े होकर करने वाले आसनों में से एक सबसे सरल और उत्कृष्ट आसन ताड़ासन बताने जा रहे हैं। ताड़ासन में शरीर की स्थिति ताड़ के वृक्ष के समान हो जाती है, इसलिए इसे ताड़ासन कहते हैं। इसे माउंटेन पोज भी कहा जाता है। तो आइए हम अब ताड़ासन करते हैं। इसके लिए दोनों पैर पंजों को एक साथ मिलाकर खड़े हो जाइए। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर, उंगलियों को फंसाकर पूरे शरीर को ऊपर ताने, जितना ऊपर तान सकें। दृष्टि को किसी दीवार पर या किसी एक स्थान पर अपनी भावों से थोड़े ऊपर जगह पर स्थित करिए। प्रारंभ में यह विधि खुली आंख करते हुए करिए, बाद में इसे बंद आंखों से भी कर सकते हैं। अगर आप यह केवल एक ही बार कर रहे हैं तो 5 से 10 बार करना यह पर्याप्त होगा। श्वास भरते हुए अपने पूरे शरीर को ऊपर की ओर तानना है, सांस छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति में आनी है। जिन्हें ध्यान लगाना आता हो वे मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाकर भी इसे करें। अन्य लोग शरीर पर जहां भी तनाव उत्पन्न हो रहा हो, शरीर जहां तन रहा हो, वहां ध्यान लगा सकते हैं। प्रारंभ में इसे खुली आंखों से ही करें, बाद में इसे बंद आंखों से भी ध्यान लगाते हुए करें। तो दोस्तों, यह था ताड़ासन। ताड़ासन एक ऐसा आसन है जिसमें हम बच्चे बड़े सबकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। 23 वर्ष की आयु तक होते तक हम इस आसन के द्वारा अपनी लंबाई बढ़ा सकते हैं। अपने बच्चों को प्रोटीन युक्त भोजन दें और इस आसन को कराएं तो लंबाई में अवश्य फर्क पड़ेगा। इस आसन से पूरा शरीर लचीला होता है, शरीर की अतिरिक्त चर्बी पिघलती है, शरीर सुडौल बनता है, पीठ और छाती के दर्द में यह विशेष लाभ देता है। शरीर की लंबाई को बढ़ाने में यह एक उत्कृष्ट आसन है। अपने बच्चों को कराने के लिए यह बहुत ही सरल और सबसे अच्छा आसन है। यह संपूर्ण शरीर के तनाव को दूर करता है, संपूर्ण शरीर में रक्त संचालन में तेजी लाता है। इस आसन के द्वारा स्नायु मंडल सक्रिय होता है। स्लिप डिस्क के रोगियों को इस आसन के द्वारा विशेष लाभ होता है। इस आसन से शारीरिक और मानसिक संतुलन आती है। मलाशय अमाशय आंतों में खिंचाव होता है, जिसके कारण यह अंग स्वस्थ होते हैं। गर्भाधान के प्रथम 6 महीनों में करने वाले आसनों में यह सबसे उत्कृष्ट आसन है। यह प्रसव पीड़ा को भी कम करता है। पीठ के दर्द में यह बहुत लाभदायक है। इस आसन को करने से फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रुक जाती है। पाइल्स के रोगियों के लिए भी यह विशेष लाभदायक आसन है। गर्भवती महिलाएं 6 महीने तक इस आसन का उपयोग कर सकती हैं, उसके बाद इसे भी उन्हें नहीं करना है। सावधानियां, इसमें किसी विशेष सावधानी की जरूरत नहीं है। कोई भी आयु वर्ग का कोई भी इस आसन को कर सकता है। जो गंभीर घुटनों के रोगी हैं केवल वे इस आसन को ना करें, बाकी सभी लोग इस आसन का लाभ ले सकते हैं। गठिया के दर्द में यह बहुत लाभकारी है। आलस्य व सुस्ती इससे दूर होती है। तो दोस्तों, यह था ताड़ासन।